बिहार में सरकार द्वारा चुनाव के वक्त रोजगार देने को लेकर कई सारे वादे किए गए थे, लेकिन वे अब तक धरातल पर सच साबित नहीं हुए। कई लोग अभी भी रोजगार से वंचित हैं। इसी बीच बिहार के कटिहार जिले में बेरोजगार ग्रामीणों ने रोजगार का खुद ही जुगाड़ कर लिया है। दरअसल कटिहार के डंडखोड़ा प्रखंड के बड़ी टोला गांव में लगभग आधा दर्जन परिवार एक अनोखा रोजगार से जुड़ा हुआ है। ये सभी परिवार आदिवासी मानधर ढोल और धार्मिक अनुष्ठान कीर्तन के लिए ढोल बनाते हैं। वहीं इस रोजगार की खासियत ये है कि यह इन परिवारों के लिए आर्थिक आमदनी का जरिया बन गया है। कई घर में अभी भी मानधर ढोल इस तरह का बन रहा है। हाँ। कब से बन रहा है, किस कैसे? अब देखिए, यहाँ जो परंपरा बन रहा है बहुत पूर्वक से बन रहा है। अच्छो घर बना रहा है, ये बहुत पूर्वक से बना रहा है, अभी से नहीं। तो कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर दूर जाता है। तो गांव का अलग पहचान है ना इसे? हाँ हाँ, गांव का पहचान है। क्या नाम है इस गांव का? बाड़ी टोला है, डंडखोरा बाड़ी टोला। आपका क्या नाम है? हमारा पटवारी बेसरा। अच्छा, सरकार का कुछ सहयोग नहीं मिल पाता है लोग? नहीं नहीं मिलता। क्या चाहते हैं सरकार का? क्या सरकार जो सहयोग देगा तो बहुत अच्छा होगा, कुछ ऊपर से लोन वगैरह दे दे तो इसके मामला में तो बहुत होगा। इसके साथ ही इस रोजगार की ये भी खासियत है कि इन कारीगरों के द्वारा बनाए गए आदिवासी मानधर ढोल और धार्मिक अनुष्ठान कीर्तन के लिए बनाए जाने वाले ढोल न सिर्फ का स्थानीय बाजार बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड, बंगाल और असम तक उत्सव में उमंग भरता है। पारंपरिक रूप से एक वर्ग विशेष के लोग आज भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। स्थानीय है, क्या है ये रोजगार, किस क्या क्या बनता है? मानधर ढोल खोल बनता है, क्या क्या बनता है जी? ये डंखुरा पंचायत के दसवें वार्ड है और ये आपका आदिवासी एक टोला है, जिसमें कि यहाँ पे लगभग 6-7 घर जो है ऐसे करके, जो काफ़ी वर्षों से जो बाप दादा उनके बेटा लोग पूर्वजों से ढोलक बनाते हैं, तो लेकिन काफ़ी वर्षों से बना रहे, लेकिन सरकार आज तक इन लोगों के ऊपर किसी तरह का एक रोजगार या किसी तरह से एक जो मदद मिले, आर्थिक मदद, वो आज तक सहयोग नहीं हो पाया है। लेकिन अगर सरकार अगर इन लोगों को मदद करते हैं तो काफ़ी लोग आने दिन में एक अच्छा रूप से ढोलक तैयार करेंगे और काफ़ी दूर दूर तक अनेक राज्य में और हर एक जिला में वे यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। कहाँ तक जाता है ये आपका? बंगाल, आपका फारबिसगंज, झारखंड, काफ़ी दूर से लोग सब आते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक रोजगार का सीजन हो, रोजगार का सीजन हो सकता है अगर सरकार अगर ध्यान देती है इन लोग के ऊपर, जबकि ये लोग काफ़ी पिछड़ा वर्ग के हैं, आदिवासी मोहल्ला है और इन लोग का जीवन यापन सिर्फ ढोल बना के ही काफ़ी सदियों से होते आ रहा है। वहीं इस कारोबार से जुड़े लोग कहते हैं कि उन लोगों को कोई सरकारी सहयोग नहीं मिलता है। अगर सरकार मदद करे तो तबला, नाल या और कई तरह के वाद्य यंत्र निर्माण कर इसको बड़ा और प्रभावी रोजगार बनाया जा सकता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आज भी कटिहार के सुदूर गांव में दूर दराज से लोग इन वाद्य यंत्रों को खरीदने के लिए पहुंचते हैं। अगर इसे सरकार के सहयोग से व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो ये रोजगार के दृष्टिकोण से भी एक बड़ा मॉडल बन सकता है। क्या क्या बनाते हैं ये? मानधर बनाते हैं आदिवासी लोग का, उरांव लोग का। अच्छा, और ये हो गया चांदखोल, हो गया बंगाल के लिए, बंगाली लोग के लिए हुआ, हमारे बिहार के जो बिसारी गान में चलते हैं मानधर बनता है और खोल बनता है। हाँ। ये कितना सालों से यहाँ इस गाँव में कितना घर मोटामोटी बना रहे हैं? यहाँ करीब है 5-6 घर है। कितना सालों से आप लोग इस कारोबार से? ये बाप दादा से चलते आया है, हम लोग का यही व्यवसाय है। तो कहाँ कहाँ जाता है ये मंदिर और ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये करीब आते हैं, जैसे हो गए फारबिसगंज, हो गए बंगाल, हो गए अलवा बाड़ी, हरवा डंगा, ये सब लोहागढ़ा, बंगाल झारखंड, बंगाल बंगाल से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं समय में, जो सीजन में बधना में हो गए आदिवासी लोग आते हैं मंदिर लेने। पूरा साल यही कारोबार से जुड़े हैं जी? इसमें सरकार का कुछ सहयोग वगैरह है? ये कभी सहयोग नहीं मिला है इसमें। क्या अगर सरकार का सहयोग और बढ़ाया जा सकता है? अगर पूंजी इसमें सहयोग दिया जाए तो हम लोग कुछ आगे बढ़ने का कुछ चांस हो सकता है। समय में ये बना नहीं पाते हैं हम लोग, दे नहीं पाते हैं, उतना पूंजी नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग नहीं बना पाते हैं समय में। तो हम लोग अगर ऐसा अगर पूंजी हो जाए, अगर मदद मिले तो कुछ तो जरूर आगे बढ़ेगा। तो आज सब दिन बनाते आसे खोल मंदिर, हमार घर लोग मरे गेलो, बेटा बनासे, हम ही बनासे, बिक्री होवे तो आरो बनाबो, पैसा कड़ी होते गेले बनाबो ढेर करे।
कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।